नाम एक्स है और आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कलर ग्रेडिंग के बारे में कि कैसे हम अपने फोटोशॉप में कलर ग्रेडिंग करते हैं। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा लेयर है उसका हमें डुप्लीकेट निकालना है, तो हम अपने लेयर पे राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं डुप्लीकेट लेयर का ऑप्शन आ रहा है। हम इस पर क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग ओपन होकर के यहाँ पर आ रहा है डुप्लीकेट लेयर का, और यहाँ पर हम इसका नेमिंग जो है चेंज करेंगे और इसका नेम रखने वाले हम कलर ग्रेडिंग, तो नेम चेंज कर देते हैं और हम यहाँ पे इसको ओके कर देंगे। तो ये हमारा डुप्लीकेट बन गया है और फिर हमें इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो हम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना करके देन हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है हमें चले जाना है यहाँ फिल्टर के ऑप्शन पर, और यहाँ पर हमें दिख रहा है कैमरा रो, हमें कैमरा रॉ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कैमरा रॉ हमारा ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे राइट में आप देख सकते हैं कि सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, हम इन्हीं के थ्रू अपने पूरे इमेज का कलर ग्रेडिंग करने वाले हैं। तो आप केयरफुली आप इसको स्टेप को फॉलो करिएगा और आप प्लीज़ वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, वरना आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है, तो मैं स्टेप बाई स्टेप करके बताने वाला हूँ। तो हमारा जो फर्स्ट वैल्यू है टेम्परेचर में हमारा जो वैल्यू पुट करेंगे 15 और हमारा टिंट वैल्यू है हम इसमें पुट करेंगे 5, और हमारा जो नेक्स्ट है हम यहाँ पे कंट्रास्ट वैल्यू है हमारा और हम इसमें जो वैल्यू पुट करेंगे 10, और हमारा नेक्स्ट जो वैल्यू है ये हमारा हाईलाइट है हम इसमें जो पुट करने वाले हैं 80 माइनस 80 करेंगे, और हमारा जो शेडो हमारा नेक्स्ट वैल्यू है शेडो और हम शेडो में रखने वाले हैं 30, और हमारा जो नेक्स्ट है वाइट में हम रखेंगे 40 और ब्लैक में -40 इसमें भी हम रखेंगे, और हमारा जो नेक्स्ट है यहाँ पे टेक्सचर हम इसमें टेक्सचर भी ऐड करेंगे, टेक्सचर की वैल्यू रखेंगे और 10, और हमारा जो डिहेज वैल्यू है हम इसको भी हम 10 रखेंगे। और ये हमारा जो फर्स्ट फेज है ये हमारा कंप्लीट हो गया। हमारा नेक्स्ट जो है कर्व, हम इसमें जो हाईलाइट वैल्यू है इसको -10 रखेंगे और हमारा जो लाइट वैल्यू है इसको भी -10 रखेंगे, और हमारा जो डार्क वैल्यू है हम इसमें जो वैल्यू ऐड करने वाले हैं +10 में, और हमारा शेडो वैल्यू भी +10 में हम इसको ऐड करेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने जो वैल्यू यहाँ पे दे दी है, और हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे कलर ग्रेडिंग का, यहाँ पे HSL एडजस्टमेंट जो है हम यहाँ पे हमारा जो आ जाएंगे फर्स्ट वैल्यू है ह्यू, और यहाँ पे देख सकते हैं हमारा रेड वैल्यू हम इसको टच नहीं करेंगे, हमारा जो ऑरेंज है इसमें हम चेंज करेंगे, हम इसमें पुट करेंगे 10, और हमारा जो येलो वैल्यू है इसको हम -100 करेंगे, और सॉरी ये -100 करेंगे, इसको बैक करते हैं -100 करेंगे, और हमारा जो ग्रीन वैल्यू है ये हम +100 में करेंगे। तो और हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा सेचुरेशन, हमारा जो सेचुरेशन वैल्यू है हम यहाँ रेड को यहाँ पे भी टच नहीं करेंगे, हमारा जो ऑरेंज है और यहाँ पे येल्लो और यहाँ से लेकर के मैजेंटा तक, येल्लो से मैजेंटा तक हम इसमें जो वैल्यू पुट करने वाले हैं और इसमें -70, और हम स्टेप बाई स्टेप कर देते हैं -70, इसमें भी -70 पर्पल, और यहाँ पे मैजेंटा इसमें भी वैल्यू हम पुट कर रहे हैं -70। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने येलो से लेकर के मैजेंटा तक हमने सब में -70 का वैल्यू पुट किया है। हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है लुमिनेंस, इसमें हम जो है वैल्यू ऐड करेंगे, अभी हम यहाँ पे हमारा ऑरेंज है और येलो है और ग्रीन है, ये तीन वैल्यू हम इसमें जो है चेंज करने वाले हैं। तो हम येलो में जो हमारा ऑरेंज वैल्यू है हम इसमें पुट करेंगे 10, और हमारा येलो है जो इसमें -10, और हमारा जो ग्रीन है इसको हम वैल्यू पुट करने वाले हैं -20। तो ये हमारी वैल्यू आप देख सकते हैं, और फिर हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है हम इसमें ऐड करेंगे स्प्लिट टोनिंग। यहाँ पे हमारी दो वैल्यू यहाँ पे शो हो रही है, एक हमारा शेडो है और दूसरी हाईलाइट है, हम इसमें जो है चेंज करने वाले हैं, और हमारा जो हाईलाइट में जो ह्यू है
और यहाँ पे जो शेडो में जो ह्यू है हम इसी में चेंज करेंगे और हमारा सेचुरेशन भी हम इसमें ऐड करेंगे। तो हमारा जो हाईलाइट का है फर्स्ट इसमें जो वैल्यू हम ऐड कर रहे हैं ह्यू में ये हम प्लस 30 करेंगे और यहाँ पे हम सेचुरेशन में 5 रख लेते हैं। और शेडो जो हमारा है इसमें जो हमारी ह्यू वैल्यू है इसमें हम प्लस 30 इसमें भी रखेंगे और हमारा सेचुरेशन इसमें हम 10 रखेंगे। फिर हमारा आ जाता है नेक्स्ट स्टेप एफएक्स, हम इसमें एफएक्स ऐड करेंगे। एफएक्स जो है अमाउंट इसमें -20 हम कर देते हैं -20। और हमारा जो है नेक्स्ट स्टेप हमारा लास्ट है इसमें कैलिब्रेशन। यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, 4 ऑप्शन बेसिकली यहाँ पे 4 हैं बट इसमें हमारा रेड प्राइमरी और ग्रीन प्राइमरी ब्लू प्राइमरी है। तो रेड प्राइमरी में हम चेंज करते हैं +20 और सेचुरेशन -40। ग्रीन प्राइमरी में आ जाते हैं जो ग्रीन ह्यू है हम इसमें +100 करते हैं और हमारा जो ब्लू प्राइमरी है सेचुरेशन को हम माइनस में करेंगे -80। तो ये देख सकते हैं और हमारा कलर ग्रेडिंग जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और अभी हमें इस इफेक्ट को हम सेव कैसे करेंगे तो अभी मैं आपको सेव करके बता रहा हूँ। हम यहाँ पे चले जाना है, .3 वैल्यू दिख रहा है यहाँ पे, सेव सेटिंग दिख रहा है, सेव सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा सेव सेटिंग का जो डायलॉग आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट इसको ओपन करेंगे और हम यहाँ पे इसको नेमिंग देंगे। तो यहाँ पे नेम दे देते हैं हम ग्रे सोल अंडरस्कोर कलर ग्रेडिंग। इतना ठीक है, ग्रेसोल कलर ग्रेडिंग हम इसका नेम जो है दे दिए हैं और हम यहाँ पे इसको अभी सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद फिर हमें यहाँ पे इसको ओके कर लेना है। जो हमारा प्लगइन है उसका लिंक हमने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे ओके कर लेंगे। देख सकते हैं ये इमेज पहले कैसी थी और अब कैसी दिख रही है। अभी हम इसको जो इफेक्ट है हम इसको नए नए इमेज पे अप्लाई करके देखने वाले हैं। तो हम इस इमेज को इंपोर्ट कर लेते हैं, ये वाली दूसरी वाली इमेज जो है इसको इंपोर्ट करेंगे और सेम प्रोसेस हम इसमें करेंगे। पहले हम इस लेयर का कॉपी निकाल लेते हैं, मेक डुप्लीकेट लेयर, और यहाँ पे नेम चेंज कर लेते हैं हम कलर ये। उसके बाद हमें कन्वर्ट कर लेना है इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में और देन हमें चले जाना है यहाँ पे फिल्टर में कैमरा रॉ ओपन कर लेना है और सेम चीज़ यहाँ पे जाना है, लोड सेटिंग्स में जाएंगे और हमारा ये ग्रे सोल कलर ग्रे और इसको हम यहाँ से ओपन करेंगे। तो कुछ देर वेट करेंगे, देखिए हमारा जो है फिल्टर वो अप्लाई हो चुका है। तो कुछ ही सेकंड में आप देख सकते हैं फिल्टर अप्लाई करेंगे तो इमेज का जो है कलर ग्रेडिंग हो चुका है, कलर बिल्कुल भी चेंज हो चुका है इसका। तो आई होप हमारी वीडियो को पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।